अखिल भारतीय दांगे क्षत्रिय संघ की तरफ से दांगे प्रवाह मैगजीन छपती है, जिसका काफ़ी प्रसार है और उसके लाइव पेज पे आप देख रहे हैं। मैं अपने बारे में परिचय दूं। मैं अशोक कुमार दांगी, अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय संघ दिल्ली एनसीआर का महासचिव हूं। पॉलिटिकली मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूं। गुरुवार विधानसभा प्रभारी बिहार। मैं पेशे से मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ, मार्केटिंग जॉब है मेरा एज ए जनरल मैनेजर मार्केटिंग फ्यूजन इंडस्ट्री लिमिटेड। सबों का बहुत बहुत धन्यवाद जो लाइव जुड़े हैं मेरे साथ। आज का टॉपिक्स है सामाजिक संगठन का चुनाव एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया। जैसा सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सबों ने पढ़ा है, स्कूल में पढ़ाई होती है कि हम सब सामाजिक प्राणी हैं, हम सब समाज में रहते हैं। तो समाज में एक संगठन होता है, कई तरह के संगठन होते हैं। सामाजिक संगठन होता है, राजनीतिक संगठन होता है जिसमें राजनीतिक पार्टियां आती हैं, शैक्षणिक संगठन होते हैं जिसमें स्कूल कॉलेज और बहुत सारे एजुकेशन्स चलते हैं, बहुत सारे लीगल संगठन हैं। समाज क्या है मैं थोड़ा उसका आपको बता दूं। समाज क्या होता है, लोगों के समूह को समाज बोलते हैं। लोग संगठित होकर के किसी खास उद्देश्य के लिए किसी खास नियम से जब आपस में जुड़ते हैं तो समाज बनता है, संगठन बनता है। कोई भी समाज का, कोई भी संगठन का एक उद्देश्य होता है, पूर्व निर्धारित उसका एजेंडा होता है, उसका उद्देश्य होता है, पूर्व निर्धारित उसके नियम होते हैं। बिना उद्देश्य के, बिना नियम के, बिना तौर तरीके डिसाइड किए हुए कोई भी संगठन नहीं बन सकता, कोई भी समाज नहीं बन सकता। कोई भी व्यक्ति समाज से जुड़ता है उसके कई फायदे होते हैं। सामूहिक संगठन में उनको एक जिम्मेवारी दी जाती है, संगठन में जितने लोग होते हैं उनकी जिम्मेवारी होती है, संगठन में की कार्यक्षेत्र होती है, बहुत सारी इकाइयां होती हैं। जैसे अगर आप अखिल भारतीय, मैं एग्जांपल दूंगा बीच बीच में क्योंकि मैं दांगी प्रवाह की तरफ से जुड़ा हूँ आपके साथ, और अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय संघ का मुख्य समाचार पत्र है, मुख्य पत्रिका है दांगी प्रवाह। तो मैं बीच बीच में आप सबों को दांगी क्षत्रिय संघ की जानकारी दूंगा क्योंकि मैं उससे जुड़ा हूँ। बहुत सारे संगठन की प्रक्रिया होती है संगठन बनाने में। संगठन बनते हैं, कुछ लोग शुरू करते हैं और धीरे धीरे संगठन बड़ा होते चला जाता है, उसके उद्देश्य बड़े होते चले जाते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि संगठन में संगठित एक गठन होता है, एक यूनिट होती है जिसमें संगठन को चलाने के लिए कुछ लोगों को टीम बनानी होती है, कुछ लोगों की टीम बनती है जिसमें अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, महासचिव होते हैं, सचिव होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं और अलग अलग इकाइयाँ होती है। सब संगठन का अलग अलग अपना तौर तरीका होता है, उद्देश्य होते हैं, उनके कार्य क्षेत्र होता है। बहुत सारे संगठन हैं, रोटरी क्लब भी एक तरह का संगठन है, रोटरी क्लब है संगठन। बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, वो संगठन होते हैं। कोई बच्चों के लिए काम करते हैं वो संगठन चलाते हैं। कोई एनजीओ होते हैं वो भी एक तरह का संगठन है जो गरीबों की भलाई करते हैं, जो
बीमार हैं उनकी सेवा के लिए बहुत सारे सेवा सदन चलाते हैं, वो भी एक तरह का संगठन है। उनकी अपनी कार्य प्रणाली होती है, अपना उद्देश्य होता है, उनके अलग रूल्स रेगुलेशन होते हैं। कोई भी संगठन बिना रूल्स रेगुलेशन के नहीं चल सकता, और जो भी उसके मेंबर होंगे जब तक उस संगठन के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेंगे तभी उसके सदस्य रह सकते हैं या तभी संगठन मजबूत रह सकता है, अपने उद्देश्य में आगे बढ़ सकता है। दांगे का मैं बताऊंगा, दांगे संगठन, दांगे समाज बेसिकली कृषि से रिलेटेड हैं, कृषि से संबंधित है। हमारा समाज खेती में जुड़ा है, पशुपालन में जुड़ा है। अब आजकल के कुछ जो है वो दूसरे पेशे में भी आ गए हैं, कोई ऑफिसर बन गए हैं, कोई लीगल में है, कोई टीचिंग में है, कोई बिजनेस में है, कोई अदर प्रोफेशन में भी आ गए हैं। पर जो हमारा समाज है दांगी वो बेसिकली कृषि से जुड़ा हुआ है। अधिकतर जनसंख्या हमारे 5-7 स्टेट्स में है, फैले हुए MP है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, बंगाल है, इन स्टेट्स में, यूपी में भी है, इन स्टेट्स में हमारे काफ़ी फैले हुए हैं। किसी भी संगठन का उसकी उद्देश्य की पूर्ति हो, उसका जो मोटो है जिसके लिए संगठन बनाया गया है, उसमें एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया जरूरी है। जब तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं होगी संगठन नहीं चल सकता। सबकी भागीदारी जरूरी होती है, सबका एक्टिविटी उसमें जरूरी होनी है। संगठन में चुनाव, इस टॉपिक हमारा है सामाजिक संगठन का, चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया। कोई भी चुनाव अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नहीं हो तो वो संगठन अच्छे नहीं माने जाते। सामाजिक में, संगठन में कोई भी इलेक्शन जो होता है, चुनाव होते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से ही होता है। लोकतांत्रिक क्या है, लोकतंत्र क्या है? लोक और तंत्र दो शब्दों से लोकतंत्र बना है। लोक का मतलब जैसे सब जानते हैं जनता, पब्लिक, तंत्र मतलब सिस्टम। जो सिस्टम जनता से बनता है वो लोकतंत्र होता है। जिस सिस्टम में जनता की भागीदारी होती है वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट सिस्टम है, बेस्ट प्रणाली है, सबसे अच्छी प्रणाली मानी जाती है। चाहे पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे राज्यसभा लोकसभा का इलेक्शन हो, सब में जनता की भागीदारी होती है और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही उनके चुनाव होते हैं। सामाजिक संगठन में भी अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव हो तो वो संगठन अपने उद्देश्य में पूरा होता है, आगे बढ़ता है। जो संगठन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव नहीं होते हैं उस गिने चुने लोग अपने, कोई अध्यक्ष बन जाते हैं, कोई महासचिव बन जाते हैं, कोई कोषाध्यक्ष बन जाते हैं और संगठन को चलाते हैं सालों साल, 10 साल 15 साल। वो संगठन काम नहीं कर सकता, आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता, उसके जो उद्देश्य होते हैं रुक जाते हैं। पूरी तरह से आप बोल सकते हैं कि पॉकेट संगठन हो गया, उस गिने चुने लोगों के उद्देश्य पूरा हो रहा है, सामूहिक उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो जिसमें एक का दबदबा होता है, बाकी लोग उसमें लगे होते हैं और उनका कुछ नहीं चलता है, तो वो संगठन लोकतांत्रिक नहीं होता। किसी भी समाज का, किसी भी संगठन का लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होना चाहिए। उस चुनाव में सबकी भागीदारी होनी चाहिए, इलेक्शन लड़ने की भागीदारी होनी चाहिए कि कोई भी आदमी इलेक्शन लड़ सकता है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, पढ़ा लिखा ज़्यादा हो, कम पढ़ा लिखा हो, कोई रोक ठोक नहीं हो। अगर हम इस पे इस कानून को चलाएंगे, इस पत्ती से इलेक्शन कराएंगे
तो लोकतांत्रिक से होते हैं। वोटिंग का अधिकार भी सबको होना चाहिए, लोकतांत्रिक में सबको वोटिंग का अधिकार होता है। कोई भी किसी को किसी भी कारण से वोटिंग राइट से आप अलग नहीं कर सकते, अगर आप संगठित लोकतांत्रिक प्रक्रिया से संगठन का चुनाव कराते हैं। और जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, डांगी संघ का चुनाव अभी दिल्ली में हुआ है, करीब 20-25 सालों से, 30 सालों से नहीं हुआ था। कुछ लोग थे जो संगठन को चला रहे थे, ठीक है, अच्छा काम कर रहे थे, खराब कर रहे थे वो अलग मैटर है, लेकिन इलेक्शन नहीं हो रहा था। एक जो लोकतांत्रिक था, लोकतांत्रिक तरीके से इलेक्शन नहीं हो रहा था। आज भी हमारे समाज में बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे हमारा संगठन है, नाम का है, कागजों में संगठन चल रहा है, इलेक्शन नहीं हो रहे। कुछ लोग जो बैठे हैं इलेक्शन नहीं करा रहे, इलेक्शन कराने नहीं दे रहे। कुछ लोग हैं, अगर इलेक्शन नहीं होता है तो जनरली क्या होता है कि लोग इनएक्टिव हो जाते हैं। जो लोग काम करना चाहते हैं, जो समाज के लिए सक्षम है कि वो समाज को कुछ कर सके, अपनी भागीदारी निभा सके, अगर उनको आप शामिल नहीं करेंगे प्रक्रिया में, इलेक्शन में या मैनेजमेंट में, उनके प्रबंधन में, तो वो पीछे हट जाएंगे, उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, वो समाज को अपना योगदान नहीं कर सकेंगे, चाहे व्यक्तिगत योगदान हो, मॉनेटरी योगदान हो, या थॉट का, सोच का विचार का, कि समाज को कैसे आगे लेके जाना है, इसका अगर आपको योगदान देना हो वो नहीं कर पाते। तो इसके लिए सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने भी संगठन हैं उसका चुनाव अपने तय समय पे हो। हर संगठन का एक टाइम फिक्स पीरियड होता है कि इतने दिनों में इलेक्शन हो जाना चाहिए। कहीं कहीं साल में इलेक्शन होता है, कहीं 3 साल में होते हैं, कहीं 5 साल में होते हैं। हर संगठन के अपने संविधान बने होते हैं, संविधान में लिखा होता है इतने दिनों में इलेक्शन होना है। इलेक्शन के बाद भी अगर कोई काम नहीं करता है तो इस प्रक्रिया से हटाया जाएगा, अगर काम नहीं करते हैं तो अगला इलेक्शन में उनको हटाया जाएगा। एक संविधान होती है, एक रूपरेखा बनाई होती है, हमारे संविधान, देश के संविधान में भी रूपरेखा बना हुआ है, प्रक्रिया है इलेक्शन का, हर 5 साल पर इलेक्शन होने हैं। हालांकि यहाँ ऐसा कोई संविधान, कोई प्रक्रिया नहीं है कि अगर हमारा MLA या विधायक या पार्लियामेंट या मिनिस्टर कोई काम नहीं करता है तो उसको पदमुक्त किया जाए, इस तरह का कोई संविधान में प्रक्रिया नहीं है। लेकिन बहुत सारे संगठन जो सामाजिक संगठन होते हैं उसमें इस तरह की प्रक्रिया होती है कि अगर कोई सामाजिक संगठन के पदाधिकारी अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको हटाया जाता है, उनके बदले किसी और को लाया जाता है, सक्षम लोगों को लाया जाता है। और समाज की या किसी भी संगठन की प्रगति में, उसके विकास में सबसे बड़ा योगदान अगर जो प्रबंधक हैं, जो मैनेजमेंट है, जो संगठन को चलाने वाले लोग हैं, अगर वो सक्षम चुन कर नहीं आते हैं तो संगठन का विकास नहीं हो सकता, संगठन अपने उद्देश्य में पूरा नहीं हो सकता। संगठन को विकास के लिए ज़रूरी है कि जो भी प्रबंधक में हो, जो भी मैनेजमेंट में हो, वो ईमानदार हो, समय दे सके, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो कोई बात नहीं, टाइम दे सके, समाज के बारे में सोच सके, लोगों को साथ लेकर चले। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है संगठन में, सामाजिक संगठन में, कि ईगो लोगों का होता है, बहुत ज़्यादा ईगो होता है लोगों को। कुछ लोग नेगेटिव सोचते हैं, लोग समाज के बारे में, कुछ लोग बन गया कि फलाना बन गया अगर महासचिव अध्यक्ष तो मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा, तो ये बहुत बड़े विडम्बना होती है समाज की, कि समाज के योगदान में कमी आ जाती है, लोग पीछे हट जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, समाज सबों के लिए होता है, कोई भी समाज हो। जैसे दांगी समाज अगर बना है तो दांगी समाज में पदाधिकारी 8-10-15 होंगे, लेकिन दांगी समाज कोई भी काम कर रहा है, चाहे बिहार में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे कहीं भी हो, वो सबके लिए कर रहा है, सामूहिक काम कर रहा है। अगर दांगी प्रवास पत्रिका छप रही है, सबों के लिए छप रही है, और पत्रिका सबों को मिलती है, सब लोग उसका फ़ायदा ले रहे हैं,
सब लोग इसमें लिख रहे हैं, सबकी खबरें छप रही है। दिल्ली में अगर दांगे समाज का इलेक्शन हुआ, दांगे का संगठन बना, अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ अभी कोरोना है, पूरे देश में कोरोना, पूरे वर्ल्ड कोरोना से लड़ रहा है, सारी दुनिया उससे परेशान है, डेढ़ महीने से सब लोग घर में बंद पड़े हैं, सबों को रोजी रोटी की ज़रूरत है, बहुत सारे भूखे हैं, मजदूर भूखे हैं। दिल्ली में हमारे समाज के बहुत सारे मजदूर हैं, गरीब हैं, जिनकी नौकरी चली गई है, जिनके पास राशन की भी दिक्कत आ रही है। दांगी समाज ने कोरोना रिलीफ फंड बनाया, 40-45 लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया, बैठे बैठे कहीं नहीं गए, कोई किसी के पास नहीं गया, कोई मांगने नहीं गया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हमने एक निवेदन किया लोगों से कि भाई गरीबों की भलाई के लिए, अपने समाज की भलाई के लिए कोरोना फंड बनाया जाए। 40-45 लोगों ने 10 दिन के अंदर में कंट्रीब्यूशन दिया है और करीब 17-18 लोगों को उसको राशन दिया गया। बहुत सारे ऐसे सक्षम थे जिनको राशन की ज़रूरत थी, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है दिल्ली में, जो बिहार से आए हैं, यूपी से आए हैं, कोई एमपी से आए हैं, जिनको प्रॉब्लम हो रही थी, कोई अकेला है, जिनका जिनके परिवार नहीं है, ये कोई ऐसे लेडी यहाँ पे फंस गई जो बिहार में चले गए, जेंट्स बिहार चले गए, लेडी यहाँ रह गई, तो उनके साथ राशन की प्रॉब्लम थी, उन लोग को सहायता दिया गया। सामाजिक संगठन का ये सबसे बड़ा महत्व होता है कि इसमें सारे लोग अगर जुड़ते नहीं हैं तो भी जो समाज का काम होता है, जो संगठन का काम होता है, जो उद्देश्य होता है, उसके थ्रू वंचित लोगों की भलाई होती है, वंचित लोगों को उनका फ़ायदा दिया जाता है, जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, चाहे किसी भी तरह से, एजुकेशन में सहयोग की ज़रूरत हो, लीगल में सहयोग की ज़रूरत हो। अभी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं दिल्ली में कि हम अलग अलग इकाइयां बनाएं। इलेक्शन अभी 2-3 महीना पहले हुआ है, बीच में लॉकडाउन आ गया, कि मैं बीच बीच में, मैंने बताया था कि आपको दांगी समाज का मैं बीच बीच में एग्जाम्पल दूंगा। अभी हमारी कार्यकारिणी की गठन हुई है, महिला मंडल की गठन हुई है, युवा मंडल की गठन हुई है, मार्गदर्शक मंडल की गठन हुई है। अभी काम लोगों ने शुरू नहीं किया है, बीच में चूंकि कोरोना आ गया सब लोग बंद हो गए। लीगल की हमारी ज़रूरत है कि लीगल टीम हम बनाएं, शैक्षणिक टीम बनाएं, शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को सहयोग करें, हेल्प करें। तो इस तरह से जो समाज है, जो संगठन है, उनको अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अलग अलग यूनिट बनाने होते हैं। कोई भी संगठन अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अलग अलग संगठन बनाएगा, अलग अलग यूनिट बनाएगा, लोगों को शामिल करेगा, लोगों को जोड़ेगा, तभी आगे विकास हो सकता है। हमारे समाज में भी जैसे मैंने देखा, भोपाल में छात्रावास बन रहा है, और भी कई जगह छात्रावास बन रहे हैं, धर्मशाला कुछ लोग मिलकर बनाते हैं, लेकिन चूँकि सामाजिक है, उसमें कोई भी आदमी जाके अपना फ़ायदा ले सकता है, कोई भी जाके समाज का लोग रह सकता है, वहाँ पे 2-4 दिन फ़ायदा ले सकता है। होटल में ऐसा नहीं है, होटल बिजनेस है, वो सामाजिक नहीं है, वो बिजनेस है, उसमें जब भी आप रुकेंगे आपको पैसा देना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा। दिल्ली में दांगी भवन है, कोई भी जाके वहाँ रह सकता है, कोई भी वहाँ मीटिंग कर सकता है, कोई पैसे नहीं देने होंगे अपने समाज के। बिहार में भी कई जगह छात्रावास बने हुए हैं, बच्चे पढ़ते हैं, फ्री में रहते हैं, या नॉमिनल फ़ी लगते हैं, अगर बाहर में अगर 1,000 रुपये लग रहे हैं, वहाँ 200 लगे हैं, 300 लगे हैं, नॉमिनल फ़ी में बच्चों को रखा जाता है। बहुत जगह हमारे सामाजिक संगठन हैं जो एजुकेशन में काम कर रहे हैं, बच्चों को फ्री में ट्यूशन दे रहे हैं, कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं। तो इस तरह का जो सामाजिक संगठन है बहुत ज़रूरी है, हर समाज के लिए ज़रूरी है, देश के लिए ज़रूरी है। सरकारें सारा काम नहीं कर सकती, सरकार का एक लिमिटेशन है, वो एक लिमिट एरिया में काम कर सकते हैं, उनके बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। छोटे छोटे काम करने के लिए सामाजिक संगठन ज़रूरी है। आपके गरीबों को एजुकेशन देना है, उनको राशन देना है, उनको छोटे छोटे नौकरियां देनी है, और आपके अड़ोस पड़ोस में कोई समाज के हैं जिनको कोई ज़रूरत है, कोई बीमार हो गया, सरकार नहीं कर सकती, सरकार का अपना अलग काम है। तो सामाजिक संगठन जो होते हैं वो सामाजिक काम के लिए होती है, उनका कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि जो हमारे समाज के लोग हैं,
स्पेशली दांगी समाज राजनीति में बहुत पीछे हैं, इनको राजनीति में आगे आने की जरूरत है। कुछ लोग पुराने जमाने में लोग थे जो एमपी बने, एमएलए बने, मिनिस्टर बने, लेकिन अच्छे पोस्ट पे नहीं है। आज भी हमारे अच्छे पोस्ट पे गिने चुने, गिनने पे एक दो का नाम आएगा। हमारे युवा को पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप राजनीति में नहीं आएंगे, आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। समाज में आगे बढ़ने के लिए आपको राजनीति में आना होगा। जो भी समाज, जो भी सामाजिक संगठन आज स्ट्रांग है, चाहे पैसे से स्ट्रांग है, शिक्षा से है, नौकरी पेशा है, बिजनेस में है, उनके पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग है, पॉलिटिकली पकड़ है, पॉलिटिक्स में है, उनके अच्छे अच्छे पोस्ट में हैं, तो हमारे समाज को भी इसके लिए मेहनत करना होगा, इनके लिए तैयारी करनी होगी, एक मैप रोड बनाना पड़ेगा। हम मैप रोड बनाएंगे कि अपने युवाओं को हम अपने राजनीति से कैसे जोड़ें। राजनीति से जोड़ने के लिए युवाओं को तैयार करनी पड़ेगी। हम पढ़ाई करके नौकरी कर लें, ऑफिसर बन जाए, कोई किसान बन जाए, कोई बाहर चला जाए विदेश में, उससे समाज आगे नहीं बढ़ सकता। समाज को आगे बढ़ाने के लिए आपको शैक्षणिक के साथ साथ पॉलिटिक्स में आना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिक्स में आगे लाना पड़ेगा अपने समाज को, अपने युवा वर्ग को। पढ़ाई के साथ साथ कॉलेज से, स्कूल से राजनीति में भाग लीजिए। नौकरी कर रहे हैं, समय निकालिए, एक दिन छुट्टी होती है संडे, महीना में एक दिन टाइम निकालिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ जाइए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी आपके विचार से सहमत हो, आप उसके विचार से सहमत हो, जरूर जुड़िए। छोटे तरह से जुड़िए, आप पार्ट टाइम जुड़िए, लेकिन ज़रूर जुड़िए। आपको सामाजिक विकास के लिए, सामाजिक संगठन को मजबूत करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने आप को, जो हमारे समाज में जो जिसको हम आगे बढ़ा हुआ समाज बोलते हैं, उनके साथ नहीं तालमेल बैठाएंगे, उनके साथ नहीं भागीदारी करेंगे, आप अलग समाज सामाजिक संगठन बनाइए, आप अलग बैठिए, अलग मिलिए, लोगों से बातचीत कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन सामाजिक लेवल पे, सामाजिक स्तर पे आपको दूसरे जो कास्ट हैं, दूसरे लोग हैं, दूसरे धर्म हैं, उनके साथ भी सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। जब तक आप नहीं बैठाएंगे, आप अलग से केवल दांगी बना करके आप पॉलिटिक्स में बहुत आगे नहीं जा सकते। मेरी राय है कि साथ के साथ मैं सबों से निवेदन करूंगा, जो हमारे बुजुर्ग हैं वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में सहयोग करें, जो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं वो आगे बढ़ें, टाइम निकालें, चाहे एक दिन निकालें, महीने में दो दिन निकालें, महीने में दो दिन निकालें, हफ्ता में एक दिन निकालें, पैसे कुछ खर्च करने हो कोई दिक्कत नहीं होती है, आप मीटिंग्स में जाएं, आप अपनी जवाबदेही लीजिए, आप किसी पार्टी में जाइए, बोलिए मेरे को जवाबदेही दो, आप आगे बढ़िए, आगे बढ़ के काम कीजिए, आपको मौका मिलेगा। आपको छीनना पड़ेगा, आपको जगह लेना पड़ेगा, कोई आपको देगा नहीं, आपको मांगना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा। पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है, और उसके साथ साथ सामाजिक को अभी आगे बढ़ाना होगा, संगठन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमारे ऑल इंडिया लेवल के संगठन अभी बहुत सालों से चुनाव नहीं हुए हैं, लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए ऑल इंडिया लेवल का जो चुनाव है वो ज़रूर होना चाहिए। मेरा निवेदन है, जो भी समाज से जुड़े हैं, जो भी समाज के कर्ता धर्ता हैं, सब सारे स्टेट्स में, चाहे एमपी में हों, चाहे दिल्ली में हों, चाहे बिहार में हों, गुजरात में हों, राजस्थान में हों, सब लोग मिलकर के चुनाव कराएं, नई टीम बनाएं, पुराने सक्षम हैं उनको और जिम्मेवारी दें और आगे बढ़ाएं, तभी आगे समाज बढ़ेगा। आज बिहार में मैं देख रहा हूँ, करीब 15 सालों से वहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, 15-20 सालों से हो रहा है इलेक्शन, हर 3 साल में इलेक्शन होते हैं, और अब ये आ गई है कि पंचायत लेवल पर इलेक्शन हो चुका है, पंचायत लेवल पर वहाँ पर कमेटी बन चुकी है, हर जिला में, हर प्रखंड में, हर पंचायत में हमारे समाज की, दांगी समाज की संगठन बन चुकी है।
लोग संगठित हो चुके हैं, अब उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। उस संगठन को हमें आगे लाना है, उसके लिए जो संगठन से जुड़े लोग हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो महासचिव हैं और हर जिला में जो हैं, उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। दिल्ली में भी हमारा स्टेट लेवल का संगठन बन चुका है, हमारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बन चुके हैं, कुछ इलाके में, कुछ शाखा में हमारे 22 शाखा हैं दिल्ली में, दिल्ली NCR में 22 शाखा में, 6-7 शाखा में इलेक्शन हो चुका है, हर टीम बन चुकी है, बाकी जगह कोरोना के चलते बंद हो चुका, नहीं बन सका। लेकिन उम्मीद है कि जैसे ही हमारी कोरोना का प्रकोप ख़त्म होगा, जैसे ही हम लॉकडाउन से बाहर निकलेंगे, 15 दिन के अंदर में, महीने के अंदर में पूरे दिल्ली में हमारी शाखा के हर क्षेत्र में चुनाव हो जाएगा, सारे लोग संगठन के कार्यरत हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। आज भी हमारे एक्टिव हैं। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे सामाजिक संगठन हैं, उनको अपने समाज के लोगों को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। अभी सब बिखरे हुए हैं, लोगों को पता नहीं है कि हमारे समाज के लोग कहाँ कहाँ हैं, किस लेवल पे हैं, कोई बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, किसी को पता नहीं है, बगल में कोई रहता है पता ही नहीं उनके बारे में। लोगों को जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। दिल्ली में हम लोग कर रहे हैं, हम लोग सर्वे कर रहे हैं, शायद बिहार में भी सर्वे हो रहा है, और एक हम डायरेक्टरी छपा रहे हैं। पिछले बार में हमने डायरेक्टरी छापी थी, लेकिन बहुत लिमिटेड लोग आए थे उसमें। अभी हमारी प्लानिंग है, दिल्ली में 2 अक्टूबर को मीटिंग होती है, उस 2 अक्टूबर के पहले जितने भी दिल्ली में हैं हमारे समाज के लोग, सबों को हम जोड़ें, सबों को डायरेक्टली जोड़ें, उसमें सबका डिटेल होता है, एड्रेस होगा, कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, मोबाइल नंबर क्या है, पैसा क्या है, बच्चे क्या करते हैं, कौन कौन उनके घर में है, बिहार से कहाँ से आए हैं, MP से कहाँ से आए हैं, गुजरात से कहाँ से आए हैं, उनका नेटिव प्लेस क्या है, पूरी इन्फॉर्मेशन, कोई ऑफिसर है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, सबकी इन्फॉर्मेशन हम प्लानिंग कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि सारे स्टेट्स के जितने भी राज्य हैं जहाँ पे हमारा संगठन है, सारे संगठन के लोग इस तरह का प्रयास करें। कई जगह प्रयास है, बिहार में इसके पहले भी डायरेक्टरी छपी है, फिर से छपने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारा समाज है, सामाजिक दायित्व है। अभी कोरोना का प्रकोप चल रहा है, लोग कोरोना से बचें, बाहर नहीं निकलें, बिना जरूरी के नहीं निकलें। अभी तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी आपको बच्चों को, आपके बुज़ुर्गों को बचाएं, सावधानी रखें, बाहर निकलें तो ज़रूर आप मास्क लगाएं, घर पे आने के बाद स्नान करें, स्नान नहीं कर सकते हैं कम से कम सैनिटाइज़र यूज़ करें, साबुन से हाथ धोएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है संगठन में। और मैं लाइव हूँ, लेकिन शायद हमारे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, हमें ये नहीं दिख रहा है कि कितने लोग जुड़े हैं, कौन लोग लाइक कर रहे हैं और कौन लोग हमें कुछ बताना चाह रहे हैं, क्योंकि शायद हमारे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आई है। मैं पहली बार लाइव जुड़ा हूँ और मैं अगली बार कोशिश करूँगा कि ये प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि हमें अभी तक पता नहीं चल पाए इतने देर में कि कितने लोग जुड़े हैं। शायद 17 लोग का नंबर आ रहा है लिखा हुआ, 18 लोग, 18-20 लोग हैं, लेकिन कौन लोग जुड़े हैं, क्या कुछ कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ लाइक कर रहे हैं, मेरे सिस्टम में नहीं दिख रहा है। शायद हमने कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें, कुछ नेटवर्क का दिक्कत है या कुछ इसमें और प्रॉब्लम आ गई है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार दोबारा मैं सबों को दोबारा अभिनंदन करता हूँ, सबों को धन्यवाद करता हूँ जिन लोगों ने हमारे लिए टाइम निकाला और हमारी बातें सुनी। अच्छी लगी होगी तो भी अगर कोई बात ख़राब लगी होगी तो मैं क्षमा चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि कमेंट्स में ज़रूर लिखें। हालांकि कमेंट्स मेरे को नहीं दिख रहा है, शायद बाद में मेरे को पता चले, या अगर किसी को संभव हो जो हमारे जानते हैं, जानकार हैं, जुड़े हैं, फ़ोन पर बातें होती है, ज़रूर बताएँ कि क्या कमी है, हमें क्या बताना चाहिए था, क्या नहीं बताना चाहिए था। चूँकि एक सामाजिक संगठन का टॉपिक्स दिया गया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव के
बताया गया। मेरी कोशिश हुई कि मैं इन्हीं बातों पे फोकस रहूं, और बीच बीच में मैंने अपने समाज के बारे में बताया, क्योंकि एक सामाजिक संगठन है और जिस पेज से मैं जुड़ा हूं, दांगी प्रवाह पत्रिका, वो भी हमारे समाज का पत्रिका है और हमारे समाज की बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका है। जहाँ जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं वहाँ इनका सर्कुलेशन है और काफ़ी लोग इंतजार करते हैं इस मैगजीन का। और मैं चाहूँगा कि जहाँ पे नहीं पहुँच रही हैं, देवराज दांगी जी को कॉन्टेक्ट कीजिए, उनसे नंबर लेकर के आप उनका मेंबर बनिए और ज़रूर इस मैगजीन को अपने पास मंगाइए। बहुत ही सस्ता मैगजीन है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते, बहुत छोटी सी अमाउंट होती है। और मैं चाहूँगा अपनी बात भी उसमें डालिए, अपने इलाके की खबर डालिए जो दांगी प्रवाह को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। तो मैं दोबारा निवेदन करूँगा कि ज़रूर आप देवराज जी को ज्वाइन कीजिए, उनको कॉन्टेक्ट कीजिए और उनको बताइए कि दांगी प्रवाह मैगजीन आपको कैसे मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा धन्यवाद देता हूँ और देवराज जी को, दांगी प्रवाह को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे को समय दिया और इस लायक समझा कि मैं अपनी बातें रख सकूँ। धन्यवाद, थैंक यू।